सरकारी नौकरियों की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संचित और आपका GVTjob.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आपके लिए हर रोज नई जॉब रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं, जिसमें हम आपको आई हुई सभी नौकरियों की जानकारी देते हैं। तो आज हम आपके लेकर आए हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निकली हुई भर्ती के बारे में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में ही भर्ती जारी की है और रिसर्च सीनियर बायोलॉजिस्ट के पद के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है। तो अब हम देखेंगे पात्रता विवरण और आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार है। तो यदि आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम यहाँ पर BBTech होना अनिवार्य है और BSc किए हुए उम्मीदवार तथा MSc किए उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पर BSc और MSc आपको वाइल्ड लाइफ साइंस, बोटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर साइंस, इसमें से किसी एक फील्ड में करना जरूरी है और आपको साथ ही साथ 50% एग्रीगेट मार्क्स भी होने जरूरी है। एज लिमिट यार रखी गई है, यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट की जानकारी दी गई है। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स, तो अधिकतम 35 ईयर्स की एज तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फी भरनी जरूरी है स्पेशली फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी है 750 रुपीज़। 100 रुपीज़ SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी है और वो आप ऑनलाइन तरीके से भर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ बताई गई है वो है रिटर्न टेस्ट से, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा आपके जॉब का या एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन के बाद वाला जो पहला स्टेप होगा वो रिटर्न एग्जामिनेशन का होगा। और उसके बाद हम आप देखेंगे पे स्केल क्या है। पे स्केल आपको बहुत अच्छी यहाँ मिल रही है, 25,000 की पेमेंट आपको मिल रही है पर मंथ, तो प्रतिमाह आपको 25,000 पेमेंट मिल रहा है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ऐसी देखा जाए तो। और ग्रेड पे एज पर रूल्स है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार आपको ग्रेड पे मिलेगा, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द आवेदन करें। और अप्लाई करने के लिए आप जो एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया है डाउनलोड नाउ, इसके आगे लिखा गया है, उस पर क्लिक कर भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन PDF क्लिकर पे क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहता है जल्द से जल्द आवेदन करे। पर उसके पहले हम देख लेंगे जॉब लोकेशन क्या है। जॉब लोकेशन इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए है उत्तराखंड, तो जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई करता है उसकी पोस्टिंग उत्तराखंड में होगी। पोस्ट का नाम है रिसर्च बायोलॉजिस्ट और सीनियर बायोलॉजिस्ट। और अब हम देखेंगे लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने की क्या है। लास्ट डेट इस पोस्ट को अप्लाई करने की है 15 दिसंबर 2017, तो आपके पास अभी देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा टाइम है, लगभग 15 दिन पूरे आपको मिल रहे हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तभी भी आप देर ना करें, जितना जल्दी आपसे हो सके इस पोस्ट को अप्लाई करें और जॉब पाए। दोस्तों आपको वापस एक बार बता देते हैं कि हमने चैनल पे एक कंटेस्ट चालू है और उस कंटेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और उस कंटेस्ट में यदि आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको मौका मिल सकता है हमारे चैनल के वीडियो के अंत में आने का। हमने एक पोल हमारे वीडियो में पिछले वीडियो में अपलोड किया है और वो पोल आपको हम यहाँ पर आई बटन में दे देंगे, और आई बटन में आप उस पोल को आपको सिर्फ उस वीडियो की लिंक दे देंगे, और उस वीडियो में जो पोल है उसको आप आंसर करना है कि आपको जो आपकी कंटेस्टेंट का जो विनर घोषित होता है वो फेसबुक पे होना आपको पसंद आएगा या वीडियो में या यूट्यूब के वीडियो में पसंद आएगा, तो उस पोल का आप आंसर दीजिएगा और आपके जो सुझाव है हमें ज़रूर भेजें। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और 7 बजे जो वीडियो अपलोड होगी इसके बाद, उसमें हम आपको नया क्वेश्चन होगा जो कंटेस्ट का, उसमें उसकी जानकारी बताएंगे और सुबह पूछे हुए क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, और लाइक करने में आपको कुछ फीस नहीं भरनी है, आपको सिर्फ जो लाइक का बटन है उसे प्रेस करना है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।